नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बॉर्डर व्यू में मार्केट के एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट में जो नेक्स्ट वीक्स और ये जो दिसंबर, इस जो कहिए इयर्स का 2 वीक्स जो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसमें मार्केट में क्या हमारा डायरेक्शन रहने वाला है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, डेटा बेसिस पे और प्राइस एक्शन पे दोनों हम क्या करेंगे, बात करेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि मार्केट में जो है मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन एक डेटा बेसिस पे जो बड़े बेयर का पोजीशन बनाता है उसके बेसिस पे अगर हम एक व्यूज पकड़े, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप देखें तो बड़े बेयर मार्केट में हमेशा सही होते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा पैसा लगा होता है ना, तो वो मार्केट को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो उनका क्या व्यूज है, वर्ल्ड मार्केट क्या है, हम वीकली एनालिसिस में कैसे एनालिसिस करना है, डेटा को कैसे कोरिलेट करना है मार्केट से, कि क्या हो सकता है या क्या होगा, इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा मेजर इंडिसेस देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट का, कि कहाँ पे क्या हुआ उसकी व्यूज में हम डेटा देखेंगे। तो आप यहाँ पे मेजर इंडिसेस देखें तो निफ्टी से लेके सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वर्ल्ड के, हमारे इंडियन मार्केट का भी आप देखें, यहाँ पे डाउ जोन्स भी आपको देखें, यहाँ पे लगभग 0.85 अभी जो है, लेकिन ये पूरे आप अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे 3 4 दिन का, तो वो पूरा मार्केट क्या खिसक रहा है, नेस्डैक है पूरा, आपको सारे ये डैक्स भी पूरा आप देखें यहाँ पे है, डैक्स निकाई ये सब सारे जितने भी आपको वर्ल्ड मार्केट हैं, वो आपको फ्राइडे के दिन क्या हुआ, आपको अपने लो पे क्लोज हुआ, यानी आपको पूरे लो पे क्लोज हुआ। तो इस प्रकार एक वर्ल्ड मार्केट में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इसलिए हमारा भी जो है निफ्टी क्या है, सेलिंग प्रेशर वहां पे दिखा रहा है। तो ये सब सारी चीजें आपको पर कोरिलेट करना पड़ेगा। जितने भी वर्ल्ड मार्केट देखें, ताइवान का जो है हैंसेंग निकाय और डैक्स, ये सब सारे जो वर्ल्ड के जो अभी मार्केट है ना, जिसको मेजर मार्केट है, वहाँ पे भी बिकवाली आ रही है। तो इस प्रकार अब अगर आप पूरे चार्ट के बेसिस पे देखें तो आपको एक मार्केट का पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा। तो अब मैं ये भी डाउ का जो है चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, कंटिन्यूअस देखिए यहाँ पे 4 दिन से इसमें बिकवाली आ रहा है और ओवरऑल लगभग 3 to 4% ये करेक्शन हो चुका है। जो भी ये अपना ये सपोर्ट था इसको ब्रेक कर दिया, आप देखें ये जो इसके मेजर सपोर्ट थे यहाँ पे आज क्लोजिंग ने जो आपको उसके नीचे दिया डाउ, तो बिल्कुल यहाँ से डाउ और हमारा 32,000 तक अभी आ सकता है, जो कि हमारे इंडियन मार्केट पे भी प्रेशर डालेगा। तो इसको हम डेटा बेसिस पे बात करेंगे कि कहाँ पे ऐसे हमें डेटा में क्या पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर की एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने जो है वो सीट पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर द्वारा पोजिशन बनाया जा रहा है, इसकी एक्टिविटी से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखें तो हमारे दोनों क्लाइंट ने क्या किया है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्लोज किया है, यानी फ्यूचर में वो जो लॉन्ग किए थे उसने भी और शॉर्ट, लेकिन जो शॉर्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लोज किए। तो ओवरऑल इनकी आप अगर पूरा नेट बेसिस पोजिशन देखें वो आपको 45,000 हो गया है, यानी शॉर्ट यहाँ पर ज्यादा क्लोज किए हैं, लॉन्ग कम क्लोज किए हैं, तो वो यहाँ पे मार्केट में क्या है, स्लाइटली बुलिश है ना, क्योंकि इनका 45 से अब आपको 40 क्या है, 43 से 45 हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम DII की बात करें और FII का भी, तो FII ने भी थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किया है, यानी FII यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जो शॉर्ट वाली पोजीशन है, तो इनका 12,000 से ये भी 7,000 और इंक्रीज हो गया है, लगभग 4,500। तो इनका FII भी स्लाइटली यहाँ पे फ्यूचर में बुलिश है। प्रो ने क्या किया है, लॉन्ग क्लोज कर लिया है, यहाँ पे देखिए प्रो ने लॉन्ग क्लोज कर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा ही शॉर्ट क्लोज किया है, तो ये यहाँ पे 14,000 से 29,000 इनका, अगर इनके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजिशन है तो उन्होंने उसमें से लॉन्ग क्लोज किया, शॉर्ट क्लोज नहीं किया, इनको लग रहा है कि मार्केट और नीचे आएगा, तो नेट बेसिस पे इनका 23,000 अभी भी शॉर्ट पोजिशन बढ़ गया है। और एज यूजल आपको जो हमारे DII है वो आपको पोजिशन क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपना जो है शॉर्ट बुक कर रहे हैं। तो फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हमारे FII और हमारे क्लाइंट्स दोनों आपको फ्यूचर में स्लाइटली बुलिश हैं, प्रो यहाँ पे बेयरिश हैं, लेकिन ये हमारा लॉन्ग टर्म का डेटा होता है, ये नहीं मंथली होता है, ये 1 डेज और 2 डेज का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है। तो 1 डेज 2 डेज का डायरेक्शन हमारा डिसाइड करता है ऑप्शंस का, कि कल क्या एक्चुअल मार्केट में होने वाला है। ऑप्शन के डाटा को हम इंट्राडे के लिए विशेष फोकस करेंगे, फ्यूचर के डाटा को हम मंथली बेसिस पे फोकस करेंगे। तो फ्यूचर का डाटा वर्क करता है लाइव मार्केट में, लेकिन मंथली में और ये वीकली में ऑप्शंस का डाटा पे हमें ज्यादा फोकस करना है इंट्राडे के लिए। तो आप यहाँ पे देखें कि 52,000 हमारे जो क्लाइंट्स थे इनकी कॉल में बाइंग थी 15 तारीख को,
फ्राइडे को उन्होंने क्या किया, 45,000 और कॉल की बाइंग कर ली। तो ओवरऑल टोटल बेसिस पे क्या है, यहाँ पे 98,000 इनकी बाइंग हो गई कॉल में, यानी ये यहाँ पे बुलिश हो गए, बाई करके गए हैं कॉल को। और जो इनके पास पुट की राइटिंग थी, यहाँ पे उन्होंने लगभग 23,000 क्वांटिटी और पुट की राइटिंग कर दी। तो इन्होंने क्या किया कि कॉल की बाइंग कर ली, पुट की राइटिंग कर दी, और यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट ज़्यादा क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे तीनों बुलिश हुए, तीनों डेटा में, यानी फ्यूचर में भी बुलिश हुए, यहाँ पे इन्होंने पुट की राइटिंग कर दी और कॉल की बाइंग कर दी। तो हमारे क्लाइंट्स क्या मंडे के लिए मार्केट में बुलिश हैं, यानी उनका पैसा मार्केट को ऊपर ले जाने में लगा है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे FII की बात करते हैं। FII ने थोड़ा सा कॉल भी बाइंग किया, थोड़ा सा पुट भी बाइंग किया यहाँ पे देखिए, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया है, थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट क्लोज किया। तो यहाँ पे वो मंडे के लिए न्यूट्रल है पूरा, लेकिन नेट बेसिस पे इनका बायस देखें तो क्या है, आपको पुट की साइज ज़्यादा यहाँ पे 2,55,000 उनकी पुट की बाइंग है। तो इससे ज़्यादा ये क्या करते हैं कि बाई नहीं करते हैं। इनका आप मैक्सिमम अगर हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो दोनों साइड वाइड का आप मैक्सिमम 2,50,000 तक एक तरफ जा सकता है, उससे ज़्यादा उनकी एक्टिविटी नहीं होती है जब तक वो डैम शोर नहीं होते हैं। तो इनका ये जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच गया है, 2,55,000 पुट में इनकी बाइंग है। ये क्या है, इनकी बायस और बेयरिश है हमारे FII की। अब हम यहाँ पे प्रो की बात करते हैं। प्रो के पास आप देखें कि 1,72,000 था वो कॉल की राइटिंग था 15 तारीख, उन्होंने क्या किया 58,000 और राइटिंग कर दिया, यानी कॉल की उन्होंने राइटिंग यहाँ पे और कर दी। तो इनका 2,30,000 वो क्या है, पूरा बेयरिश हो गया, अच्छी तरह बेयरिश हो गया, यहाँ पे लॉन्ग भी क्लोज कर दिए हैं। और उनके पास जो पुट की राइटिंग थी दोस्तों, वो पूरा क्लोज करके 10,000 क्वांटिटी पुट की उन्होंने बाइंग कर ली। तो प्रो जब भी अगर पुट और कॉल की बाई करता है उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है। आप अगर यकीन ना हो तो 13 तारीख का डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कॉल की बाइंग की थी, 14 को मार्केट ऊपर गया, फिर उन्होंने पुट की राइटिंग करी। तो मार्केट कल लेवल नीचे लेके आएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, फिर वो पुट की राइटिंग करेंगे। डैम श्योर हूँ मैं कि एक जो हमारे क्लाइंट्स के साथ वो अपोजिट में डायरेक्शन में रहेंगे और कल मार्केट नीचे लाके प्रो वहां पे पुट की राइटिंग करेंगे, पुट की राइटिंग करेंगे। और वो कौन से पोजीशन पर राइटिंग करेंगे वो हमें लाइव मार्केट में दिख जाएगा। तो हमारे जो ये एडवांस ऑप्शन सीट है इसमें सारा कुछ दिखता है कि बड़े पेड़ की एक्टिविटी कहाँ पे चल रही है। आप यहाँ पे देखें जो कॉल की तरफ एक्टिविटी है, पुट की तरफ या पैन किया है, ये सारा डेटा हमें इंडिकेट कर देता है। तो ओवरऑल आपको 18,250 है अभी चल रहा है, तो मार्केट को एक बार 18,100 के पास या फिर 18,050 के पास लाएंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि 18,100 18,050 के पास लाएंगे और वहां पे फिर वो क्या करेंगे, पुट की राइटिंग करेंगे। तो कल लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट कर दिया हूँगा कि वो कहां पे पोजीशन उनका बन रहा है। लेकिन अभी अगर बात करें तो ये 18,300 पे जबरदस्त देखिए कॉल की राइटिंग हुई, 18,300 पे यहाँ पे आपको जो है 78,000 पोजिशन, और ये पोजीशन हमारे बड़े प्लेयर द्वारा बनाया गया है, बड़े प्लेयर द्वारा। यहाँ पे जो राइटिंग किया गया है किसके द्वारा, प्रोप द्वारा राइटिंग किया गया है ये 18,300 18,400 पे। हमने देखा कि प्रोप ने कॉल की राइटिंग की और उनके द्वारा जो बाइंग किया गया है ना पुट का, वो देखिए 18,300 पे ये बाइंग है, ये यहाँ पे बाइंग है, और यहाँ पे राइटिंग किया गया वो हमारे क्लाइंट्स द्वारा किया गया। तो वो मार्केट को कहाँ, यहाँ तक अगर 18,300 है तो अभी तो 250 के पास, 200 चल रहा है, 270 के पास, तो यहाँ से लगभग 80-90-100 पॉइंट और नीचे लाएंगे ताकि हमारे क्लाइंट को मैक्सिमम पेन हो। तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम पेन का नंबर हमारा नीचे की तरफ है और ये लाइव मार्केट में अपडेट करता रहा है कि पेन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ डेटा है वो अभी बेयरिश है, हमारे जो है बड़े प्लेयर की डेटा। अब इसको हम एक बार मंथली व्यू भी देख लेते हैं क्योंकि मंथली व्यू हमें देखना जरूरी है। तो जैसे मैं मंथली चेंज करता हूँ, यहाँ पे 18,250 के पास जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पुट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पुट साइड यानी 18,300 पे 13,000 पोजीशन बना है, 63,000 ये पोजीशन बना हुआ है। लेकिन यहाँ आपको कोई कॉल साइड ऐसा एक्टिविटी 18,300 के पास नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 15,000 पोजीशन है लेकिन ये फ्रेश अभी पोजीशन बनाया गया है। तो एक बार बिल्कुल ये बाउंस बैक 18,200 से या 150 से कहिए बाउंस बैक मार्केट हो सकता है। तो ये डेटा के बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि मंथली व्यू में बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन वीकली में आपको 18,100 तक मार्केट जा सकता है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी का डेटा सेलेक्ट करते हैं।
तो मैं अभी गेट कुकीज करता हूं दोस्तों बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी का डाटा में भी हमें ये इंडिकेशन हो जाएगा कि बैंक निफ्टी की एक्टिविटी कहां पर चल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनमें एक अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो मार्केट वहां पे क्या होता है, रेंज बाउंड रहता है, जिससे हमें बैंक निफ्टी का भी डेटा देखना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का ये मंथली व्यू देखें तो मंथली में आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अभी नहीं है, फिर भी यहाँ पे कॉल साइड की एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा पे है, 3 लाख यहाँ पे 2,88,000 है, और यहाँ आप देखें तो पुट साइड जो है वो बड़ा प्लेयर है 43,200 के पास, इसी के पास मार्केट भी है। तो बैंक निफ्टी मंथली व्यू में हमको यहाँ पे न्यूट्रल पोजिशन दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं, लेकिन अभी आपको वीकली सेंटिमेंट क्या कर रहा है उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। तो वीकली की अगर डेटा पे हम बात करें तो 43,300 के पास ये 56,000 पोजिशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा देखिए कैरी करके गए हैं, यहाँ पे 43,500 पे भी एक अच्छा पोजिशन बना है, लेकिन 43,200 पर अभी एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है और नेक्स्ट आपको सपोर्ट है 43,000 के पास है। तो जैसे 43,200 ब्रेक होता है हमारा पहला टारगेट 43,000 का होगा बैंक निफ्टी का, और इमीडिएट यहाँ पे हमें पुट बाई कर लेना है 43,000 के, क्योंकि हमारा जो मैक्स पेन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप देखें तो ये थर्ड पेन है वो आपको 43,000 के पास है। तो ये लाइव मार्केट में हमें अपडेट देता रहता है कि पेन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बड़े प्लेयर की एक्टिविटी कहाँ पे चल रही है। तो इस डेटा के बेसिस पे आप एक अनुमान लगा लेंगे कि मार्केट में क्या हलचल रहने वाला है, मार्केट में क्या एक्टिविटी रहने वाली है। अब हम इसको थोड़ा प्राइज एक्शन पे देख लेते हैं। तो आप प्राइज एक्शन की बात करें तो देखें कि 18,270 के पास जो है वो आपको एक्टिविटी आज हुआ है, 270 पे क्लोज दिया है मार्केट ने, तो मैक्सिमम अपमूव जाने के चांसेस यहां से जा सकता है। तो पहला आपको रेजिस्टेंस 18,320 का फेस होगा, 18,320, तो जैसे 18,320 ब्रेक करता है तो वो हमें लॉन्ग होना है, 18,320 के नीचे हमें लॉन्ग नहीं होना है फ्रेश। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आप वहां पे क्लोज करके एक बार वेट करिए 18,320 के ऊपर निकलने का। तो जब तक 18,320 की पोजीशन को ब्रेक नहीं करेगा लॉन्ग नहीं होंगे हम, और 18,320 को ब्रेक करेगा तो टारगेट 420 का हो जाएगा और उसके बाद फिर 520 का ऊपर का टारगेट, लेकिन शॉर्ट होना हमें आप 18,240 के नीचे, यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट जैसे नीचे आता है यानी इस लाइन को ब्रेक करता है तो फिर टारगेट हमारा 18,100 का हो जाएगा और 18,000 का हो जाएगा दोस्तों, ये निफ्टी का हमारा टारगेट है। ऐसे ही आप अगर ओवरऑल देखें तो इसका आप अगर वीकली व्यू भी देखें जो वीकली में है तो एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है वो पूरा बेरिश है और ये लेवल जैसे ब्रेक करता है इस सपोर्ट के पास है, जैसे ब्रेक कर देगा फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा आपको ये वाली लेवल आपको यहाँ 18,000 के भी नीचे 17,950-960 तक, तो एक 18,000 इमीडिएट अभी आपको सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का, लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक होगा फिर आपको टारगेट बहुत ही नीचे हो जाएंगे दोस्तों। पहला आपको टारगेट फिर 16,900, यानी आपको यहाँ पे जैसे लेवल ये ब्रेक होगा यानी 18,000 के लेवल को जैसे ब्रेक होगा पहला हमारा टारगेट आपको 18,000 हो जाएगा, और 18,000 होने के बाद दोस्तों फिर टारगेट हमारा आपको 17,200 का दिखेगा निफ्टी में, 17,000-18,000 ब्रेक कर देता। तो ये हमारा वीकली व्यू है, इसको हमने आपको डेली व्यू में लाइव आपको इंट्राडे के लिए देख लिया। सेम अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में 43,220 के पास क्लोजिंग है, ऊपर हमें लॉन्ग होना है 43,300 के ऊपर, 43,300 के ऊपर जब निकलेगा तो ही हमें फ्रेश लॉन्ग होना है बैंक निफ्टी में। टारगेट हमारा 43,440 का और 43,650 का होगा, क्योंकि आप अगर बैंक निफ्टी की एक्टिविटी देखें तो ये लगभग 2 दिन से इसी रेंज में 43,300-400 से 43,100 के पास में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 43,330 नहीं ब्रेक करता है तब तक हमें फ्रेश लॉन्ग क्रिएट नहीं करना है, और अगर 330 को ब्रेक करेगा तो टारगेट 450 का और 650 का होगा, लेकिन यहां से नीचे का टारगेट दोस्तों जैसे आपको 43,180 के लेवल को ब्रेक कर देता है यानी 140 को लेवल कहिए,
तो हमारा सीधा 43,050 का टारगेट और 42,800 का टारगेट होगा हमारा बैंक निफ्टी का। तो आप बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो वीकली है, वीकली में एक जो है वो बिल्कुल ही बेयरिश कैंडल बना है। तो क्लोजिंग 43,200 के नीचे अगर कल ओपन होता है मार्केट तो फिर बेयरिश कैंडल हो जाएगा और टारगेट हमारा पहला टारगेट आ जाएगा दोस्तों 41,800 का। पहला टारगेट हम यहां से 41,800 का टारगेट दिखाई देगा लॉन्ग टर्म में, यानी 1 से 2 वीक्स में अगर 43,000 को ब्रेक कर देता है। ये हमारा आपको एनालिसिस रहा। FII ने थोड़ा सा यहाँ पे देखें सेल किया है लगभग 2,000 करोड़ का, तो ये मार्केट का बिल्कुल जो टॉप है ऊपर का फायदा उठा रहे हैं दोस्तों। ये सब सारी एक्टिविटी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये आप देखें जाके, तो टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ हम लाइव मार्केट में शेयर करते रहते हैं, पूरे लाइव मार्केट में। तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये सब सारी चीजें ऑटोमेटेड अपना एक सॉफ्टवेयर, अपना एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मिनिमम फी में लोग सिर्फ ऑप्शंस को, एक्टिविटी ऑप्शन की स्ट्रेटजी को सिखाने के लिए लाखों लाख रुपए चार्ज करते हैं और वहां पे कुछ भी नहीं बताया जाता है और बिल्कुल ही जेन्युइन एक डेटा के बेसिस पे यहां पे सब कुछ बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा नया बैच आपको 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आप अगर दिसंबर के महीने में इनरोल करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इसमें अभी 10% चल रहा है, नहीं तो यहाँ से प्राइस हाइक हो जाएगा, ये 21 से 31 हो जाएगा दोस्तों 31। और आप वहाँ पे जाके फंस जाते हैं जहाँ पे कि लोग दिखाते हो तो सब कुछ है लेकिन देते कुछ नहीं है। तो आप इमिडिएट मुझे इस नंबर पर मैसेज करिए और अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। बिल्कुल आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो पूरे के पूरे फी वापस हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके। दोस्तों मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड ऑप्शन क्रिएट ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।